मैडम तो हंसते हंसते मास्क उतर गया आपका, अब आपका चेहरा सामने आया, मैं आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर बोले जा रहा था। पूरा बजाओगे? जहां से शुरू करने बोला था वहां से किया नहीं, जहां खत्म करना था क्या तुम अंदर नशे कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? 8 महीने से ऑडियंस तो आनी, शराब तुम ही खत्म कर रहे हो यहां के। जिंदगी में पहली बार हुआ है कि पहली रो में 4 लड़कियां बैठी हैं। माता रानी की कृपा आज हुई है, ये हैं असली नवरात्रे। क्या हो गया? तुम्हारे साथ तुम्हारा आदमी चल रहा है, मुझे क्यों छेड़ रही हो? कॉम्प्लीमेंट उसको दो ना, उसको देखो इसने क्या अंदर डोरा के कच्चे पहने हुए जिसको मतलब। हाँ जी, तारी मैडम मेरे को पैसे जलील करने के मिलते हैं तो मैं और मैं क्या करूं आपके दिवाली पे आपके घर पे सोन पापड़ी भेजू क्या करूं? और बताओ कैसा चल रहा तुम दोनों का जो आप मेरी तारीफ कर रहे थे मैडम? बढ़िया है, भाई है वो पीछे, भाई है उसका लड़की का? अच्छा, पहले बताना चाहिए आपसे। भैया को एकदम पीछे कर दिया। क्या करते हो आप लोग? कौन वकील है वो पीछे वाला? कोई बात नहीं, हमारे बाप भी वकील हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे गुजराल साहब बड़े वकील हैं, हम तो अपने मोहल्ले में बहुत चौड़े होते थे बाप के नाम के, अपने इतने बकचोद परिवार था हमारा। हम तो मेरे तो किसी भी कहता था ना, मेरे से पंगा मत लो, मेरा बाप वकील है, पेल के मारेंगे। हाँ, एक बार तो एक लड़के से इतना भयंकर झगड़ा हुआ, मैंने कहा तेरे तो घर में घुस के मारेंगे, मेरा बाप वकील है। उसके बाद मैं और पापा गाड़ी में गए उसके साथ, ऐसा मैंने पापा देख लो, कह रहा बेटा पहला हाथ मैं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। हम लोग अंदर पहुंचे उसके घर में, उसके पापा और वो खड़े थे, पापा ने ऐसे हार्ट उठाया, मैंने कहा आज तो पेला गया। पापा कह रहे माय लॉर्ड, उसका बाप जज निकला। मैंने कहा ये तो नहीं बताया इसने कभी हमें। 3 भाषा में मेरे बाप ने सॉरी बोला उसको, भाई साहब इंग्लिश हिंदी और रशियन, तीनों लैंग्वेज। क्या हो गया वकील है? हमारे बाप भी वकील हैं। पेन रखा हुआ तुमने? पेन है ना, वकील आदमी हमेशा छाती से पेन चिपका के रखता है। हाँ, मेरे बाप हमेशा यहाँ पेन चिपका के रखते हैं। मैंने ये क्यों करते हो आप? कह रहे ये वकीलों का गहना होता है। ऐसा होता है सर? होता है। हाँ तो होता ही होगा, हमने तो बोल दिया बाप से। हमने कहा क्या? हाँ, थोड़े दिन बाद हमारी जींस चेक कर रहे थे, इसमें सिगरेट निकली, कह रहे ये क्या? मैंने कहा ये इंजीनियर्स का गहना है बाबा। और क्या पागल आदमी, इसकी शादी है? शादी ना तेरी हो गई? हाँ शादी, पंजाबी पंजाबी आदमी है। 17 तारीख को ना, कितने साल से अफेयर चल रहा है? 10 साल से अफेयर चल रहा है, अभी तक उस लड़की ने इसको देखा ही नहीं है, उसने हाँ बोल दी। हनीमून पे कहाँ जा रहा है? ग्रीस। तो हनीमून पे क्यों जा रहा है तू? 10 साल हो गए, खर्चा करने वाली बात है। देखो हनीमून में मेजर एक्साइटमेंट क्या होती है? और वहां ग्रीसियों से गाली खाया जाके ग्रीस जा रहा हनीमून पे। हनीमून में आजकल स्टेटस सिंबल है वैसे, नहीं? आप कहां जाओगे मैडम हनीमून पे? यूरोप। जितने स्टाइल में आपने बोला है ना, आपका वीजा भी नहीं लगेगा वहां। यूरोप। आप क्या करते हो मैम? या यू Me? Yes, you. Sorry? Impact evaluation. पूरे दिल्ली NCR की गांड फट गई यहां पर। इसको दोहा के शेख नजर आ रहे हैं सब में।
इम्पैक्ट इवैल्यूएशन का मतलब पंजाबी आदमी को जो समझना है ब्रुक कर दिया आपने। तुम अकेले बैठे हो दोस्त, ये आपका बेटा है, क्यों लाए इसे आप? मेरा शो देखने के बाद बागबान करेगा आपके साथ। बाहर निकले मुझे मंदिर लेके आनी है। बेटा कुछ ज्यादा मन पे नहीं लगानी एक भी लाइन इसमें से, समझे? पापा को पापा ही बोलना, ये नहीं कि रमेश और बताओ क्या हाल है। मेरे शो में ऐसा हो जाता है कभी कभी। क्या करता है बेटा जी? हैं? 11th में अभी? अरे अभी तो बारीक मूछें हैं बेचारे की, कहां लिया है इसको? हैं? ठीक है, गर्लफ्रेंड है तेरी? पापा की टेंशन मत ले, सच बता। मैं बता रहा हूं तू हां बोलेगा पापा ही बताएंगे, मेरी भी एक है भाई। मैम आप क्या करते हो? हैं? एचआर? कोई बात नहीं, विल गेट बैक टू यू। जय माता दी। आज मुझे शांति मिली भाई कसम से, पहली बार बोला मैंने ये वर्ड किसी एचआर को। तुम लोग की वजह से नौकरियां छोड़ी हमने, हमारे खून से रंगोली बनाती हैं लोग। और फिर बाजी हनीमून शादी कब है तेरी? नेक्स्ट मंथ 17 नवंबर। इनवाइट कर दूं सबको? है जुगाड़? हाँ और क्या आना भाई। लंगर रखा हुआ और हनीमून पे ग्रीस जाएगा? ये वो वाली ग्रीस तो नहीं है बैठ के लगाता टायरों में? बेबी हनीमून ग्रीस ले चलूंगा, शादी के बाद आओ बहन तुम भी लगाओ, ऑयलिंग करते हैं दोनों। मैडम तो हंसते हंसते मास्क उतर गया आपका, अब आपका चेहरा सामने आया, मैं आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर बोले जा रहा हूं। इतने हरामी है ना ऑडियंस, ऑडियंस गंदी है। मैडम मैंने कुछ नहीं किया। क्या हो गया, कुछ मंगवाना है भाजी? बियर खत्म हो गई, नलके में बैठ जाना जाके। मैं वॉश बेसिन में टिका रहा ऐसे एक घंटा। इनकी जेबें भी चेक करो, बोतलें मत देते चले जाओ। कार्ड दे रहे हो ना साथ साथ? हाँ देते चलो साथ में, नहीं तो बाद में देनी पड़ेगी। बिना लिए नहीं छोड़ते। हाँ ये ऐसे ही हैं, दिल्ली वाले हैं ना, दिल्ली वालों इनको पता नहीं ना ये इम्पैक्ट इवैल्यूएशन क्या होता है। मैडम आप समझा भी दोगे तब भी हमें समझ नहीं आएगा, हमें एक वर्ड मिल गया बस। भाई साहब आप बताओ इम्पैक्ट इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? कुछ तो समझ आएगा 2 साल में। अभी उसकी हॉबीज बता दो, तुरंत बता दे उसको। कड़ी चावल बहुत पसंद है, राजमा चावल बहुत पसंद है। कितने टाइम से डेट कर रहे हो आप लोग? आप क्या करते हो वैसे? आप क्या करते हो? तुम आर्मी में हो? माय लॉर्ड, वेरी नाइस। आर्मी वालों के लिए तो रिस्पेक्ट हो रही है। बहुत बढ़िया हो ना, पक्की बात, इतनी ताली ले। मैम आप क्या करते हो? नहीं नहीं रुक जाओ, आगे वाली पूछा था। वो अपने बिजनेस का बताने लगते कि वी आर बिजनेस मैनेजर। हम भी नहीं नहीं आप ही बता दो, चलो आप क्या करते हो? वी आर बिजनेस पार्टनर्स। यू टू, वेरी नाइस। किस बिजनेस के पार्टनर हो आप लोग? हैं? हैंडी प्रोसेसिंग। हनी शहर लगा निकालते हो? कुछ बातें ऐसी होती है उनके पास जोक मारने की जरूरत नहीं होती। कोई पूछ ले इंटरव्यू में क्या करते हो, मैं शहर निकालता हूं। तुम्हें जिस दिन मधुमक्खियां दौड़ाएंगी ना इतना बता। कहां जा रहे हो बिजनेस पार्टनर? मैं जो ये कोई टाइम है शहर निकालने का तुम्हारा? जाओ अकेले कैसे निकाले शहर?
बड़े बकचोद हो रखे हैं सब लोग, ऐसे खोई के नहीं जानवर बाहर आ गए थोड़ा से रख देंगे एकदम सबके। नाइस, तुम क्या करते हो आखिरी लड़के? हाँ भाई दोस्त, तुमने कहा था ना बकचोदी शुरू करो। बिजनेस है किस चीज का? किसका? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो। किस चीज का? बैग्स का। अरे वाह वेरी नाइस, कहाँ पे है ये? सदर बाजार। उसे दलाली नहीं की? सदर बाजार के नाम पे इतना चौड़ा हो रहा है? या हमारे पास इंपैक्ट इवैल्यूएशन बैठा हुआ है, इससे ऊपर की कोई बात हो तो करना। आ गए क्या? एक ही मधुमक्खी का निकाला क्या? इससे ज्यादा टाइम तो मूत्र में लग जाता है, वही करना गया। उसी को तो शायद नहीं बोल रहे तुम। कैसे शायद करते हो? मतलब कहां से मधुमक्खियों से डायरेक्ट ले रहे हो तुम लोग? क्या प्लान है तुम्हारा? जो चीज कर रहे हो वो बोल भी नहीं पा रहे तुम। What we are doing, we are who, we are villagers, we are impact evaluation कर रहे हैं हम। कोई है evaluation ऐसे impact का मैडम? बताओ, तुम आर्मी में बंदूक लाए चला दो भैंस में। मैम आप क्या करती हैं? आप बहुत अच्छे लग रहे हो देखने में, आप क्या करते हो? You are a casting director. कोई ऑडिशन चल रहे हैं? ये ऑडिशन ही तो नहीं ले रहे मेरा आप? मन में आपको चल रहा होगा सस्ता विकी कौशल। कई लड़कियां हैं ऐसी जो विकी कौशल की ह्यूज फैन है। दिखते आंखों में डाल के बात करो, नीचे कहां देख रहे हो? तेरा दिखते तो हो तुम विकी कौशल। हाँ लड़कियां ऐसे कहती हैं सज्जो विकी कौशल की डाई हार्ट फैन है, सस्ता विकी कौशल महंगा वाला, इनको तो हाउ इज द जोश बोल के उठा रहा सुबह से। मैं विकी कौशल नहीं हूँ, पहली बात तो देखो, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ आजकल तो बिल्कुल भी नहीं, जब से ये ड्रग्स वाला चक्कर हुआ ना मुझे बड़ी फटी रहती, मेरे घर की घंटी बजती, मुझे ऐसा लगता है एनसीबी वाले आगे लेने कि तुम फर्स्ट कॉपी हो, आधी सजा तुम काटोगे। और मैं सीधा रहा हूँ, आपको सही बता रहा हूँ, मैं हमेशा से सीधा रहा हूँ। मैं तो कॉलेज में भी मेरे साथ के लोगों ने ड्रग्स करते थे, मुझे नहीं पता होता था क्या। मेरे हाथ में पहली बार मेरे दोस्त ने पाउडर रखा, मैंने तो घमोरियों पे लगा लिया था।